हेलो एवरीबॉडी, लाइक ऑलवेज इट्स अ वेरी गुड डे टू राइड, सो लेट्स गो। आज हम जा रहे हैं दिम्बे डैम एंड वी आर वेटिंग फॉर अ फ्रेंड, सो वो आते ही निकलते हैं और करते हैं इस व्लॉग की शुरुआत। सी यू ऑन द सैडल। Guys, today Shoaib is joining us, the moving throttle. And इसके पहले भी हमने एक राइड किया हुआ है, this is the second time we are riding together. And चल रहे हैं अभी भोसरी की ओर से, yeah, I mind you, मैंने भोसरी ही बोला। हम वहाँ से आगे जा रहे हैं चाकन and then मंसर and फिर वहाँ से आएगा हमारा आज का destination. It's a beautiful morning. Let's go, मजा आ रहा है। What a lovely sunrise we are going to witness today. And guys, today और एक चीज का excitement है, one of my favorite gadget, electronic camera, जो बोलना है बोलो। I'm gonna be unveiling that. Shoaib bhai has got it, so वो भी आपको देखने मिलेगा इन इस ब्लॉग में। Super excited for that thing as well. So guys, we just took a short break. अभी यहाँ पे हम चाय पियेंगे और हम रिवील करेंगे हमारा फेवरेट गैजेट जो शोएब भाई लेके आए। शोएब भाई, वो अपना गैजेट दिखाओ। सो दिस इज इट, द ऑल न्यू DJI मिनी 3। सुपर एक्साइटेड, अभी करते हैं फ्लाई। वहां पे हो रहा है सनराइज, तो फ्लाई करते हैं इसे। चलिए सो गाइज, वी वर वेटिंग हियर एट होटल तुलसी प्योर वेज जो आता है भोसरी चाकन रोड पे। एंड यहाँ पे अभी हम रुके थे, ड्रोन सेटअप कर रहे थे, बट ड्रोन में काफ़ी टाइम चला गया क्योंकि वो अकाउंट डिटेल्स का कुछ तो एरर आ रहा था एंड देन सेकेंडली मेमोरी कार्ड का। सो अभी ऑन द वे देखेंगे एक और एक मेमोरी कार्ड परचेज करेंगे एंड फिर वो हिसाब से ड्रोन फ्लाई करेंगे। अभी तक तो फ्लाई किया नहीं है, आगे ये व्लॉग में पूरी कोशिश रहेगी कि फ्लाई करे। सो चलते हैं अभी, शोएब भाई भी आ रहे हैं। ये ड्रोन सेटअप में बहुत टाइम चला गया, बट कोई नहीं, होता है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, एक ही बार करना है, नेक्स्ट टाइम से तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी एक बार सेटअप हो जाए तो। चलो अभी भी है ड्रोन के लिए कार्ड की तलाश जारी। वो जो पीछे एक शॉप मिला था वहाँ पे रुक गए थे, भैया ने आके शॉप खोल भी दिया, कार्ड्स भी चेक किए, बट दैट वाज वेरी लो स्पीड, 24 Mbps पे मतलब नहीं चलेगा ड्रोन पे। तो दे वर क्वाइट हेल्पफुल, उन्होंने आगे हमें एक एड्रेस दिया है
यस कॉल्ड एंड कन्फर्म कि वहाँ पे सैंडिस्क के कार्ड्स है, सो वो बेस्ट है, वो चल जाएंगे। अभी हम वहीं पे जा रहे हैं, वहाँ से कार्ड कलेक्ट करके आज तो ड्रोन भाई उड़ा के ही रहेंगे, 15 फीट पे सही, सॉरी 15 मीटर जो उसका रेस्ट्रिक्शन है, बट आज तो उड़ा के रहेंगे। इतने प्यारे लोकेशन है, क्या बताया यार, काफ़ी दिक्कतें आ रही है ड्रोन के लिए। कोई नहीं, किसी से तो सीखना होता है। बट रास्ते अच्छे हैं, यू नो ये एनवायरनमेंट इज लाइक क्वाइट कूल, मज़ा आ रहा है। सो गाइस अभी जस्ट यहाँ से हमने ड्रोन का कार्ड ले लिया, मिल गया साला वो, ये तो साला। अभी चलते हैं आगे, फाइनली ड्रोन का इशू सॉल्व, कार्ड मिल गया। अभी ग्लव्स पहनते हैं, लोकेशन सेट है, और आगे चलते हैं अपने मंजिल की ओर। सो एज यू कैन सी गाइस, यहाँ से दिख रहा है अच्छे से डैम, बैकवाटर्स जो भी कहना कह लो, यहाँ से और दिखा रहा है 15 मिनट्स फॉर द गूगल मैप्स, पर अभी देखेंगे यहाँ पे जो भी अच्छा लोकेशन मिलेगा विल वेट ओवर देयर। वहाँ पे रुक के थोड़े फोटो लेंगे, वीडियो लेंगे, और अभी फाइनली ड्रोन उड़ाएंगे। जस्ट हैव अ लुक एट दिस, ऐसे रास्ते और ऐसे पानी के साइड से जाने के मज़े। वाटर बॉडीज के आसपास हमेशा मतलब यू नो एक ठंडी हवा होती है, यहाँ पे गाड़ी चलाने का एक अलग मज़ा है। मैंने जितने भी राइड्स किए दिस इज हाईली रिकमेंडेड, बहुत अच्छे रास्ते हैं। लाइक अभी तक एक भी बार ऑफ रोड पैच नहीं आया, कुछ नहीं। एंड मेनली यू नो ये रस्तों पे जो ये ऐसे पानी के साइड से राइड करने वाले जो रस्ते ना, मुझे ये बहुत पसंद है। सो दिस इज द डैम, एंड लास्ट 10 to 15 kilometers हम ऐसे ही रस्तों से यू नो ट्रैवल कर रहे थे। हाँ जाने दो, यहाँ से शायद से रास्ता है, क्या बोलते हो जाने का क्या? Thank you.
सो गाइज, नाउ इज़ द टाइम टू टेक द लीव. हो गया ब्लॉग का आज इतना ही था. तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा, ड्रोन शॉट्स अच्छे लगे होंगे. अपकमिंग व्लॉग्स में भी और देखने मिलेंगे. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. कीप राइडिंग, रिमेंबर देयर इज नेवर बैड डे टू राइड.